से आपका स्वागत है अंडमान टूरिज्म ब्लॉग्स में। अंडमान में सबसे अच्छा बीच है और टूरिस्ट को इससे एक आकर्षक अनुभूति होती है। समुद्री जीवन का पता लगाने और बीच पर आराम करने के लिए शानदार जगह है। इस वीडियो में मैं आपको 4 नाइट और 5 डेज के लिए एक वर्चुअल दौरे पर ले जा रही हूँ। टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर अंडमान घूमने जाना चाहते हैं तो आपका टूर आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स से बुक कर सकते हैं, क्योंकि आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स अंडमान का ही लोकल ट्रेवल एजेंसी है जो आपको अच्छा रेट के साथ अंडमान का टूर करने में सहायता करेंगे। अगर आप टूर बुक करना चाहते हैं तो मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो का लास्ट में दे दूंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले दिन की शुरुआत आपके होमटाउन से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने से होगी। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हमारा स्कॉट आपकी उपस्थिति में होगा और आपको पहले से बुक किए गए होटल में ट्रांसफर कर देगा। बाद में दोपहर के लंच के बाद आप सेलुलर झील का दौरा करेंगे, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक औपनिवेशिक जेल है। इस ऐतिहासिक स्मारक महासागर की विभिन्न कोशिकाओं और वास्तुकला का अन्वेषण करें। हम आपको कॉबन्स कोव बीच पर ले जाएंगे, जो कि पोर्ट ब्लेयर सिटी से जुड़ा हुआ बीच है। यह बीच तैराकी, धूप सेंकने और आराम करने के लिए फेमस है। जेट्स की, राइड, स्पीड बोट और पैरासेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज यहाँ की जा सकती हैं। बाद में हमें फिर से सेलुलर जेल जाना पड़ेगा, जहाँ आपको लाइट एंड साउंड शो का अनुभव कराया जाएगा। ये शो देखने के बाद आपको सेलुलर जेल का इतिहास को समझने में आसान होगा। इस शो के साथ पहला दिन का टूर पूरा होता है। हमारी टीम आपके साथ आएगी और आपको आपके होटल वापस छोड़ देंगे। यह पहले दिन का अंत होगा। चलिए दूसरे दिन से शुरू करते हैं। आज हम अंडमान आइलैंड के मोस्ट अमेजिंग डेस्टिनेशन हैवलॉक आइलैंड के लिए प्रस्थान करते हैं। पहले से बुक की गई फेरी में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए प्रस्थान करें। इस डेस्टिनेशन को भारत में बेस्ट आइलैंड के रूप में दर्जा दिया गया है। हैवलॉक आइलैंड पहुंचने पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आएंगे और आपको आपके पहले से बुक किए गए रिजॉर्ट में छोड़ देंगे। थोड़ा आराम और रिलैक्स करो। रिजॉर्ट से हम एशिया के बेस्ट बीच राधानगर बीच के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस सफेद रेत वाला बीच का इन्वेस्टिगेशन करें और इस नेचुरल वंडर की सुंदरता में गुजरें। बाद में आपको अपने रिजॉर्ट में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां आप आराम करेंगे और यह दूसरे दिन का अंत होगा। अब तीसरा दिन से शुरू करते हैं। इस दिन हैवलॉक रिजॉर्ट में नाश्ता करें और फिर रिजॉर्ट से चेकआउट करें। उसके बाद हैवलॉक जेटी आ जाएंगे फेरी में बोर्डिंग करने के लिए। फेरी में बोर्डिंग कर लेने के बाद हैवलॉक से नील आइलैंड जाएंगे। नील आइलैंड पहुंचने पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको चेक इन करने के लिए आपके पहले से बुक किए गए रिजॉर्ट में ले जाएंगे। इस दिन आप भरतपुर बीच की यात्रा करेंगे, जो कि नील आइलैंड पर सबसे अच्छा बीच है। स्नॉकलिंग, स्कूबा डाइविंग और जेट्स की राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। बाद में लक्ष्मणपुर बीच पर जाएं। लक्ष्मणपुर बीच अपने अमेजिंग सनसेट के लिए जाना जाता है। यात्रा के बाद आपको वापस अपने रिजॉर्ट में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तीसरे दिन का अंत होता है। आइए दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से करें। सबसे पहले आप एक नेचुरल रॉक का दौरा करेंगे, जिसे होवर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय रूप से इसका निर्माण वर्षा और आसपास की चट्टानों और पहाड़ियों से पानी के प्रवाह से हुआ था। बाद में आप नील आइलैंड जेटी की ओर बढ़ते हैं, जहां से आप पोर्ट ब्लेयर के लिए एक फेरी पर सवार होंगे। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आएंगे और आपको चेक इन के लिए आपके पहले से बुक किए गए होटल में ले जाते हैं। कुछ देर आराम करें और उसके बाद होटल से चिरिया टापू का टूर करेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ का मुख्य आकर्षण चिरिया टापू बायोलॉजिकल पार्क है। शाम के सनसेट देखने के बाद मुंडा पहाड़ और चिरिया टापू बीच जाए। इस खूबसूरत बीच को कवर करने के बाद हम आपको आपके होटल वापस छोड़ देंगे। इसके बाद चौथे दिन का टूर समाप्त होता है। फिफ्थ डे नाश्ते के बाद डिपार्चर की दिन है। आपको इस अंडमान आइलैंड की स्वीट यादों के साथ अपनी आगे की यात्रा के लिए एयरपोर्ट में छोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप अंडमान का टूर आयुष टूर्स एंड ट्रेवल्स से बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे हमारी दूसरी वीडियो पे। तब तक का आप और अपने परिवार के साथ खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।